के विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने पर सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो प्रशासन पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहता, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और विधायकगण व जिला अध्यक्ष समेत कई सपा नेता जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और उन्हें उपचुनाव के दौरान आ रही अपनी अपनी परेशानी से अवगत कराया। जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं में पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, ठाकुर द्वारा के नवाब जान, काट के विधायक कमाल अख्तर, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव आदि शामिल रहे। जिलाधिकारी से मिलने के बाद जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया कि हमने अपनी परेशानी जिलाधिकारी और एसएसपी के सामने रखी, जिस पर उन्होंने हमें पूर्णतः कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला जिला मुख्यालय पर आए कुछ क्या लेने दो। ये देखिए किस मामले में आज मुलाकात होती थी। देखिए 15 तारीख का उपचुनाव हो रहा है, उसमें हमारे सभी माननीय प्रभारी जी हैं, सभी लोग हम जिलाधिकारी जी और एसएसपी साहब से मिले हैं। हमें कुछ क्षेत्र से शिकायतें मिल रही हैं, जो सरकारी तंत्र है वो हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको परेशान कर रहा है। हर विभाग की शिकायतें हैं, चाहे सेंटर हो, आरटीओ हो, पुलिस विभाग हो, डीएसओ हो, सब लोग बिजली वाले उत्पीड़न कर रहे हैं, गलत मतलब आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हें बंदा कर देंगे उठा के। इस तरीके की तमाम घटनाओं को लेकर हमने अभी जिलाधिकारी साहब और एसएसपी साहब से एक शिकायत अपनी दर्ज कराई है कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का हरेसमेंट न हो, उनको न कहा जाए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, जो भी जीते मैदान है, मैदान में जो जनता जिसको जिताएगी जनता फैसला करेगी, इसका जो प्रशासन का ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, इसी को लेकर हम सब हमारे माननीय विधायक और सब लोग मिले हैं। जो जिस तरीके से थाना अध्यक्ष पार्टी भाजपा के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसी को सब लेकर हम समाजवादी पार्टी के लोग अपनी शिकायत दर्ज करने क्या आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शिकायत है तो हम जांच करा कर उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि अगर जो आपकी शिकायत है उसकी जाँच कराएंगे और उसको उचित कार्रवाई करेंगे। कोई एक ऐसा मामला बताइए जिसमें घटना हुई हो सपा कार्यकर्ता। बहुत चीज़ें हैं और हमने लिखित में अपनी कंप्लेंट दे दी और बता दिया उनको कि ये प्रॉब्लम आ रही है और ये लोग परेशान कर रहे हैं।